जनवरी मतलब हमारा गठार बाठौसान जो मतलब बोडो जनजाति का सबसे मतलब पुराना रिलीजन है, तो उसका आज डे है बाठौ पूजा। तो यहाँ पे मैं आया था ओपनिंग सेरेमनी में और हो चुका है ओपनिंग ऐसा कुछ है। और आज मतलब ये यहाँ पे रीजन में हमारा हॉलीडे है और पूजा के लिए सब मतलब आज यहाँ पे टेम्पल में आएगा। और ये जो मतलब पूजा है बाठू पूजा, ये मतलब हर साल होता है लेकिन इस बार है गोल्डन जुबली। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होगा इस बार। हमारा इस ट्रेडिशनल मतलब रिलीजन में जो फंडामेंटल लाइफ होता है उसका वर्शिप होता है, नेचर वर्शिप होता है, जो फाइव एलिमेंट्स होता है। बाठो मीन्स फाइव एलिमेंट्स, जो ये अग्नि वायु मिट्टी आकाश जल ये सब होता है ना, तो फाइव एलिमेंट्स फंडामेंटल ऑफ लाइफ जो मानने वाला होता है सबसे पुराना। और यहाँ पे जो आप लोगों में थोड़ा सा टेम्पल अभी दिखा दूंगा और कैसे मतलब यहाँ पे डेकोरेशन के सेलिब्रेशन के लिए वगैरह ये सब दिखा दूंगा अभी आप लोगों को। और ये जो पिलर्स देख रहे हैं आप लोग, ये मतलब जो पुराना ये कचहरी किंगडम का रुइंस है जो कि दिमापुर में स्थिर है, तो उसका यहाँ पे एक रिप्लिका बनाया गया है। मतलब जो कलर दिया है आप लोग देख सकते हो, गोल्डन कलर दिया है यहाँ पे, काफी खूबसूरत सा लग रहा है मतलब। और ये मतलब कचहरी किंगडम बोलने से इसमें इंक्लूड होते हैं डिमासा लोग भी, तो मतलब डिमासा लोग बोल सकता है, मतलब ये तो हमारा भी है। तो इसलिए मतलब बोर्ड में डिमासा ये जो रुइंस होता है, अगर डिमासा में कुछ प्रोग्राम होगा तो भी ये रुइंस रहेगा, एंड बोरो में कुछ प्रोग्राम होगा तो भी मतलब ये रुइंस इसको मतलब डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे टेम्पल हमारा बाठू टेम्पल जो कि ऐसा कुछ है डेकोरेशन ऐसा क्या है। और इस टेम्पल का अंडर में मेन जो वर्शिप करते है वो है सिजू ट्री। आप लोग को पता है बाठूइज्म में सिजू ट्री को मतलब वर्शिप किया जाता है, ऐसा कुछ है, काफ़ी खूबसूरत सा है। इसको अभी फ़िलहाल ओपनिंग नहीं किया है,